दोस्तों हमारे आदर्श है सुरेश गुप्ते, उनसे कुछ सीखते रहते हैं और अपने कार्य करते हैं। आप सभी की ओर से आदरणीय मैडम जिला औषधि निरीक्षक निधि पांडे जी का मैं अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हमारी मीटिंग का एजेंडा पर्पज सिर्फ यह है, एक युद्ध नशे के रूप में। दोस्तों नद में जुटे नमन हो जाए, मस्तक झुके वन दंत हो जाए, ऐसी नजरें देना मुझे जब याद करूं मैं इस देश के उन महान शहीदों को जिन्होंने जाने गवाई है अपनी इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए। दोस्तों हमने एक अच्छा जीवन इसलिए मेरे मन मंदिर में उनके दर्शन हुए। दोस्तों पहले देश गुलाम था, अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, सैकड़ों साल दोस्तों हमने गुलामी लाखों जाने गई, लेकिन दोस्तों आज हमारे कुछ व्यवसाय पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, वो नशे का व्यापार कर रहे हैं। आने वाले 15-20 साल में देश का क्या होगा उनका पता चल सकता है। उससे बचने के लिए हम सभी लोग इस संकट में और इस नशे को समाज से दूर करें, भारत से दूर करें। एक क्रांति दोस्तों, क्रांति का मतलब होता है एक ऐसा लक्ष्य जो कभी अपने लक्ष्य से पहले ना रुके। हमें अपने मन में वो धारण करना है और नशे को इस समाज से दूर करना है। दोस्तों मैडम को 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ विशेष उपलब्धियां किया है। कुछ लोग जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे उन्होंने लाइसेंस बनवाया, लाल कॉलेज का व्यवसाय भी जिला सामने में खत्म हो गई, लेकिन बहुत हद तक कम हुआ। कनेडे में एक दवा फैक्ट्री जो नकली प्रोडक्ट बनाने जा रहे थे, पूरी तरह प्लांट हो रही थी, मशीन ही आ गई थी, री मटेरियल आ गए थे, इनकी मेहनत से और इनकी टीम की मेहनत से वो बंद हुई। दोस्तों जब भी TLA कोई टीम युद्ध करता है, हमारी ड्रग इंस्पेक्टर मुजफ्फरनगर शहर को जाती है, वहाँ भी दोस्तों हमको एक फैक्ट्री जो नकली चल रही थी वो बंद हुई। मुजफ्फरनगर जो नारकोटिक्स का व्यवहार कर रहे थे अरेस्ट हुए, अवैध व्यवहार से बंद हुए मेरा दोस्तों परचेज। अगर सेल हमारी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अवैध व्यापार के लिए है, जो व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे में से ही वो कुछ अलग नहीं हूँ। दोस्तों अपनी को शुरुआत तरीके से आगे बढ़ाए, हमारे यहाँ कोई भी बैठा हुआ सदस्य मैं नाम उच्चारण नहीं करूँगा, अगर कुछ बोलना चाहे माइक से तो ठीक जाए अपनी बात। लेकिन दोस्तों मेरा सम्मान ही मेरा जीवन है, मैं और आप सब लोग मेरा सम्मान है, हम सब संघर्ष करते हुए साथ साथ आगे बढ़े हैं। मेरा सम्मान नष्ट कर दो तो मेरा जीवन स्वयं ही नष्ट हो जाए। यहाँ उपस्थित सब लोग दोस्तों मेरा सम्मान है, मेरा अंतिम निवास करते हैं। हमें एक भी शब्द ऐसा नहीं निकालना है जो दूसरे की भावना को आहत पहुंचाए। किसी को मेरे भाई को बोलना है